गुरु मान सिंह करो ऐश आनंद काटो दुख विपता के फंद धरे लक्ष्मी चंद तेरा ध्यान री दुर्गे तू मन दंगल में ध्याली तेरी कलयुग में जोत डटी पदर रजपूता की घटी। अब सजना वो सरदार चाप सिंह बादशाह सलामत की आज्ञा के अनुसार श्रीनगर से चलकर कहां गढ़नौ में ले पहुंच जाते हैं। जैसे ही महल के नजदीक में गया पर सोमती ने दूर से अपने पति को महल की तरफ आता देखा बड़ी खुश हुई और आरती का थाल लेकर दरवाजे पार तक करने के लिए खड़ी हो जाती है। और वो सरदार चाप सिंह उस आरती के थाल का ठोकर मार के महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। सोमती ने हाथ जोड़ लिए क्या बात महाराज आपने आरती क्यों नहीं कराया। निमला आरती के जोग के आरती के जोग अटनर भाग तने की छोड़ दिया क्या बात। निमला तू पति भरता धर्म बतावे थी उस पठान के लगा ना बुलावे थी खुआवे थी मोहन भोग मेला नू गोड्डे का गोड्डा रहे आरती के जोग अटनर भाग तने की छोड़ दिया। जब सोमती ने अपने पति के मुंह से अपने बारे में बात सुनी रोने लग जाती है कि महाराज आपने मेरे को क्या कह दिया। रोती विलाप करती है और कैसे वो सोमती सरदार चाप सिंह के सामने क्या बात रखती है। साथ बिताए और आप छह महीने की कह के दरबारों में चले गए। इस बात को मैं जानती हूं कि वो छह मास इतने बड़े महल में मन अकेली उतने कैसे गुजारे। आपके नाम की पूजा करी तपस्या करी और आपने आखिर में मेरे को उस पूजा का ये फल दिया। ठीक है लागी Thank you.
पति रूप पति रूप परमेश्वर हो, पति रूप परमेश्वर हो, तेरा निश्चन ध्यान धारू थी, धर्म की राही कर्म की मंजिल अध्यम ज्ञान करू थी। सुबह उठ के सबसे पहले अनका दान करू थी, ब्राह्मण साधु की सेवा या बेअनुमान करू थी, बेअनुमान करू थी, स्नान करू थी ओही ने, स्नान करू थी ओही ने, रामायण महल में घेरी मार चाहे पुजकार जाने पाया के मार घेरियो पाया के मार घेरियो। इतनी कच्ची बात हो जी। मेरे गवांडी भाई भाई राजवीर बहुत मान सम्मान, पहले 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई जी को, बहुत धन्यवाद। कैसे नंबर 2 पर सोमति सरदार चाप सिंह के सामने अपनी सफाई में क्या कहती है, रहती सुरती हरि भजन में, परिवर्त धर्म का करूं थी पालन पूरे ने परने में, उस सीता की जू साची सू चाहे दर के देख अगल में हो, दर के देख अगल में लूट के ली धोले दिन में, लूट ले धोले दिन में बोली महाराज कुछ भी कहो, उस सीता की जो साची सू कोई बात नहीं, बैठो शांति करो, क्यों सीता की जो साची सूचा इधर के देख अगन में, चाहे मेरी अगली परीक्षा ले लो मेरे में कभी नहीं पाएगी। सरदार चाप सिंह ने जब सोमति की आवाज सुनी, निवरा सोमति मैं तेरे को साची मान लिया, साबूत के तौर पे तू मेरे को वो फटकार कटार दिखा दे। और जब सोमति ने फटके कटार का जिक्र सुनया, सुनते कह जाती है कैसे क्या कहती है, ये मेरे आजीज मेरे साथी कलाकार मेरे परमित्र भाई संजय मकड़ोली 100 रुपए से मेरा मान सम्मान करते, बहुत धन्यवाद। उस लग्न के बाद में 2-3 बातों के साथ भाई संजय
बनके आई थी, बुआ बनके आई थी, तने बात बता दूं सारी, कोली बरके यूं बोली ये बहुला कैसे घनी प्यारी, चलती बरिया शरे हाथ धारिया लाचती के पुचकारी, तेरी खास निशानी लेगी बेरने वो फटकायो कटारी, फटकायो कटारी, हम नाटी को ना कर कर की मारी, नाटी को ना कर की मारी, कदे नार तार देख के हेरी मार चाहे उस तार जाने कर पाया के मारे, ओ इतनी कच्ची बाती करती रहेगी, मार चाहे उस तार जाने साथी ना समझ कोई बात नहीं, वो मुझे साथ बोले दे जो पत्ते पे चला। सुने ये प्रधानियों का आदेश साहेब लाल अगली चौधरी मेहर सिंह की, पर ये मेहर सिंह का शिष्य था, बहुत कमाना नाम सुने होगा, यार अगली इस रागनी पर भी छाप लगा देते हैं, मैं भी गा करता चौधरी मेहर सिंह छाप लगाता था मैं, पर एक बड़े पुराने आदमी मिले मेरे को प्रोग्राम में, बोला भाई मेहर सिंह की रागनी कौन है और मज किसकी है, ये मेहर सिंह का शिष्य हुए सरदार सिंह, ये सरदार सिंह की रागनी है, कैसे क्या लिखा भला संगे सरदार संगे तेरी दजा शखर में, सरदार संगे तेरी दजा शखर में, है अके गेरे ते गेरे चागी, सत का मल्हा धर्म की नैया ऊपर ले पारी उतरे जागी, मंदा मंदा बोल पिया है ना सारे बात पे खरी जागी, पैनी के गते मारे मत मेरी अपे गर्दन चल जागी, हम करे कटारी दर जागी, करे कटारी दर जागी।